सत श्री अकाल द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दे विच सब तो वड्डी खबर है जिहड़ी हुण दी ताज़ा खबर है वह लॉकडाउन नू लैके है, करफ्यू दे विच ढिल नू लैके है, जिस ते एक होर फैसला जिहड़ा लिया गया हैगा। पंजाब सरकार ने नवा नोटिफिकेशन जारी करदिआं दुकाना खुलण दे समें दे विच होर वादा कर दिता है। हुण सवेरे 7 बजे तो शाम नू 6 बजे तक दुकाना खोलण दा ऐलान कर दिता गया। यह फैसला जिहड़ा कल यानी कि 15 मई तो लागू होएगा। सो तुसीं पंजाब वासी जिथे जिथे भी ढिल मिली हुई है करफ्यू दे विच उत्थे तुसी हुण सवेरे 7 बजे तो शामी 6 बजे तक दुकाना खोल सकते हो। पंजाब दे वख-वख जिलों दे विच डिप्टी कमिश्नर ने अपने जिले के हालात देखदिआं तुहानूं ढिल है जिहड़ी दित्ती हुई है, किते किते ईवन ऑड सिस्टम है वह भी लागू किया होया। सो किते किते घंटे ने जिहड़े दुकानदारां नूं वंडे हुए ने। सो इस तरीके नाल पर जिहड़ा ऑल ओवर है 7 बजे तो शामी 6 बजे तक फैसला सुनाया गया, पर इहदे विच जरूरी है कि दुकानां ते भीड़ नहीं होनी चाहीदी, समाजिक दूरी का ध्यान रख्या होना चाहीदा, मास्क पाया होना चाहीदा, तो सैनिटाइजर हर दुकान ते जरूर होना चाहीदा। सब तो पहला 7 तो 11 दुकानां खोलियां गईयां सी, उस तो बाद फिर 9 तो 1 बजे कर दिता गया सी, फिर 9 तो 3 बजे तक यह समा किया गया, तो हुण सवेरे 7 बजे तो शामी 6 बजे तक का कर दिता गया। सो हुण CBSE दे 9वीं ते 11वीं जमात के विद्यार्थियों के लिए एक वड्डी खबर है कि CBSE बोर्ड ने ऐलान किया है जिहड़े विद्यार्थी 9वीं ते 11वीं जमात के COVID-19 के कारण पेपरों के नहीं बैठ सके उन्होंने अगली जमात में जाने का सीधा मौका दिता जाता है, एग्जाम नहीं लए जाएंगे, पर उन्होंने स्कूल वालों दिता एंट्रेंस टेस्ट पास करना होएगा। सो इन्हां दे पेपर ने जिहड़े एंट्रेंस ने वह ऑनलाइन ज ऑफलाइन है, वह स्कूल अपने सहूलियत के मुताबिक लै सकते हैं। हुण वड्डी खबर उन्हां लोकां दे नाल जुड़ी हुई है जिहड़े कि विदेशों के फसे हुए ने। एयर इंडिया कंपनी ने ट्वीट किया कि भारत तो अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर ते जर्मनी दे लई उड़ाणा दी बुकिंग है जिहड़ी 14 मई 2020 यानी कि अज शाम नूं 5 बजे तो शुरू होवेगी, यानी कि शुरू हो चुकी है। ट्वीट इन्हां ने जिहड़ा कीता सी कि 5 बजे तो शुरू हो जाएगी, दोपहर नूं ट्वीट कीता सी 3:30 बजे। सो तुसीं एयर इंडिया दी साइट ते जाके टिकटां बुक करवा सकदे हो। सो कल भी सानूं एक सवाल है जिहड़ा बार बार पुछया जा रहा सी कि जिहड़े एजेंट ने, प्राइवेट एजेंट ने, वह लोकां तक पहुँच कर रहे ने कि असीं तुहाडीआं टिकटां बुक कर दिंदे हां। सो तुसीं बिल्कुल इस तरह दे भंबल भूसे दे विच ना पियो, इन्हां दे जाल दे विच ना फसियो। असीं नहीं कहिंदे कि सारे ही गलत हुंदे ने, सारे ही ठग हुंदे ने, पर ज़्यादातर हुंदे ने। जदों एयर इंडिया की वैबसाइट है, थोड़े सामने विकल्प है, ऑप्शन है, तुसीं उत्थे जाके सीधा बुक करवा लो। सो ये नंबर है 0124-264-1407, एक होर नंबर है 0206-23-1407, एक होर नंबर है 1860-233-1407, ते तुसीं इन्हां दी वैबसाइट ते लाइव चैट भी कर सकते हो। वैबसाइट है airindia.in, इत्थे जाके तुसीं टिकटां बुक करवा सकते हो। 16 मई तो उड़ाणा, 16 मई तो 22 मई तक 31 उड़ाणा ने उन्हां दा ऐलान किया गया कल भारत सरकार दे वल्लों। पूरे भारत दीआं खबरां दे विच सब तो पहलां असीं पूरे देश दे कामियां दे नाल जुड़ी खबर तुहानूं सुणाउने आ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अज जिहड़ा 22 लाख करोड़ दे पैकेज दे ऐलान दा विस्थार किया है अगला, उस दे विच उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि पूरे देश दे विच घट्टो घट्ट मजदूरी है जिहड़ी उह तय की जाएगी, रेट है जिहड़ा उह तय किया जाएगा, नियम सौखे किए जाएंगे, सारे मजदूरों नूं नियुक्ति पत्र दिते जाएंगे, साल दे विच एक बार हैल्थ चैकअप जरूर होएगा, खतरनाक खेतरां विच काम करने वाले कामियां नूं सेफ्टी कोड दे अंडर लिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मजदूरों जां कामियां दे लई होवेगी, जे औरतां नूं रात नूं काम करना पएगा तां सुरक्षा दे सख्त नियम लागू किए जाएंगे। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान जानकारी दिती है कि राजधानी विच लॉकडाउन दे विच किन्नी ढिल मिलनी चाहीदी है। इस दे लई उन्होंने दिल्ली वासियों के सुझाव मंगे सीगे कल शाम 5 बजे तक। उन्होंने कहा कि साढ़े कोल 5 लाख तो वध सुझाव आए ने, 4.5 लाख लोगों के वट्सएप मैसेज आए ने, 10,700 ईमेल्स आई ने, 39,000 लोगों ने फोन करके सुझाव दिते ने। सुझाव दे विच दस्सिया गया खास तौर पर कि लोग नाई दीआं दुकानां, स्कूल, होटल ते सिनेमा हॉल खोलन दे हक विच हैगे नहीं है। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि सिनेमा ते सैलून दे बारे बहुत लोगों ने कहा कि हाले नहीं खोलने चाहिए, इहदा मतलब दिल्ली सरकार नहीं खोलेगी, क्योंकि उन्होंने कहण दा यही मतलब सी, लोगों को पुछण दा यही मतलब सी कि जो लोग कहणगे उवें असीं फैसला लवांगे, उहनूं विचार के लवांगे। बहुते लोगों ने कहा कि नाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए, सब तो वड्डा खतरा है। सो CM ने कहा है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लैफ्टिनेंट गवर्नर के नाल शाम जी अज बैठक की गई है, उस तो बाद
चर्चा तो बाद अपना फैसला जिहड़ा केंद्र सरकार नूं भेजेगी दिल्ली सरकार। करोना वायरस एक लैब दे विच्चों पैदा होया है। अमरीका दे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री वी स्कॉट मॉरिसन इस दी जिहड़ा समर्थन कर चुके ने, ते होर भी बहुत सारे लोग कह चुके ने कि लैब दे विच्चों पैदा होया मैनमेड है। ते हुण भारत दे विच भी एक लीडर मूहरे आ गए ने। केंद्रीय आवाजाई मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल NTV नूं इंटरव्यू दिता, कहा कि एक कुदरती वायरस नहीं है, एक नकली वायरस है। यह वायरस एक लैबोरेटरी तो आया, हालांकि उन्होंने चीन की वुहान का कोई नाम नहीं लिया है। इस तो पहला अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोमपियो ने कहा सी, ते उस तो पहला प्रधानमंत्री डोनल्ड ट्रंप ने कहा सी। सो हुण चीन दे बारे जां फिर चीन दा नाम लए तो बिना ओहो जिही बयान देना भारत दे एक लीडर दे वल्लों, एक मंत्री दे वल्लों, ए जाहिर तौर ते दोवां देशां विच तनाव थोड़ा वधा सकदा है, क्योंकि चीन चुप तां बैठेगा नहीं। इहो जिहे बयान ते उहदा रिएक्शन जरूर आएगा। करोना वायरस के इलाज लई भारत 4 आयुर्वेदिक दवाइयां ते काम कर रहा है। जल्द ही परीक्षण है जिहड़ा ओह शुरू हो जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय सैनिक चीन की सरहद उत्ते पूरी तरह मुस्तैद ने। सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे के विकास का काम चल रहा है। ये थल सेना के मुखी जनरल MM नरवाने ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख ते उत्तरी सिक्किम विच चीनी ते भारतीय सैनिकां वल्लों हमलावर रुख दे कारण दोवां देशां दे फौजी जख्मी होए ने, पर असी दोवें मुल्कां ने अपने पद्धर ते गलबात करके तलखी है जिहड़ी उह घटा दित्ती है। हुण गल करदे हां भारत दे उहनां करोड़पति लुटेरियां दे जिहड़े करोड़ां रुपए दे कर्जे दब के बैंकां दे विदेशां दे विच भगौड़े हो चुके ने। नंबर 1 ते विजय माल्या नूं वड्डा झटका लग्गिया बरतानिया तों। हाल ही विच ब्रिटिश प्रशासन तो लंडन हाई कोर्ट के हवालगी के फैसले के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के विच अपील दायर करने की इजाजत मंगी सी मालिया ने, जिसनों रद्द कर दिता गया। हुण साफ हो गया कि विजय मालिया नूं भारत परतना ही पएगा। तो विजय मालिया ने कहा है भारत सरकार नूं कि उस सारा कर्जा मोड़न नूं तैयार है, पर उसके सारे केस ने जिहड़े सरकार बंद कर देवे। ये सरकार नूं अपील की है मालिया ने। मालिया ने हाल ही विच ऐलाने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे भारत सरकार नूं वधाई भी दिती है, पर अफसोस भी प्रगटाया कि मैं कर्जा मोड़न की पेशकश कर रहा, मेरा कर्जा जिहड़ा वापस नहीं लिया जा रहा। मैं कह रहा कि कर्जा वापस दे दिना मैं, पर मेरे केस खत्म कर दो। हुण गल कर लैने एक होर भगौड़े नीरव मोदी की, जिहड़ा कि हीरियां का व्यापार करता सी। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अज कांग्रेस पार्टी ते दोष लाया कि भगौड़े नीरव मोदी नूं देश लियाउण दी कारवाई विच हाईकोर्ट का साबका जज जो कांग्रेस का ही मैंबर है बचा धिर के गवाह के वजों पेश होया। कहिंदे ने कि असीं उहनूं वापस लिआउणा चाहुंदे हां, पर कांग्रेस उहनूं बचाउणा चाहुंदी है। वह कहिंदे ने कि हुण कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है कि वह जिहड़े ठगियां मारन वाले भगौड़े ने उहनां नूं बचाउणा चाहुंदी है, पर जदों इह भज्जे ने उदों BJP की सरकार सीगी। BJP की सरकार के हुंदिआं किवें कोई लुटेरा है देश छड के, मुल्क छड के एक हवाई रस्ते राही भज सकदा है? सब तो पहला जड़ी उंगल है वो BJP ते ही उठती है। धर्म राही सच दे प्रचार ते प्रसार नु समर्पित सब्सक्राइब करो साडा नवा चैनल द खालस TV धर्म।